उसके बाद में फिर शुद्धि क्रियाएं होती हैं, शुद्धि क्रियाएं उधर होती हैं हॉल के पास। शुद्धि क्रियाओं में जल नेति, रबर नेति, तेल नेति, कुंजर क्रिया, ऊपर में मेरे शिविर होते हैं। अच्छा, आपके शिविर होते हैं। उसका नाम है तपोभूमि, तपोभूमि वैदिक साधन आश्रम तपोभूमि। वहाँ पर योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा शिविरों के आयोजन होते हैं। और शरीर का शुद्धिकरण होने के बाद कोई रोग नहीं रहता, सभी रोग ठीक हो जाते हैं। हाँ। आप क्या कह रहे थे, प्राकृतिक चिकित्सा में भी क्या चल रहा है आजकल? छल चल रहा है, कपट। हाँ। ये छल कपट चल रहा है प्राकृतिक चिकित्सालय में भी। लूट मची हुई है और ऐसी लूट मची है, आप जाइए तो सही, 50,000 रुपया आपको एक दिन का भी देना पड़ सकता है। जगह है, नमस्ते स्वामी जी। ओम जी नमस्ते। ठीक हो? हाँ जी आनंद। तो आप इधर की जानकारियाँ कुछ दोगे क्या हमें? हाँ क्यों नहीं देंगे। अभी चाहिए आयुष्मान बाबा, यशस्वी बाबा। अभी स्वामी जी यहाँ पे चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा करते हैं जी, उनसे जानते हैं वो यहाँ पे क्या क्या कैसे कैसे शुद्धि करते हैं शरीर की और मन की। चले देखते आइए जी। चलो जी स्वामी जी, ये जो गड्ढे खुदे हैं जी, इन गड्ढों में हम लोगों को दबाते हैं जी, लेकिन उस दबाने से पहले एक सबसे पहले प्रातःकाल में योग कक्षा होती है जी, जिसमें आयु और लोगों की अवस्थाओं के आधार पर अभ्यास करवाए जाते हैं। उसके बाद में फिर शुद्धि क्रियाएं होती हैं, शुद्धि क्रियाएं उधर होती हैं जी हॉल के पास। शुद्धि क्रियाओं में जल नेति, रबर नेति, तेल नेति, कुंजर क्रिया, क्लिंजिंग यानी कि शरीर का शुद्धिकरण करने के लिए, तो ये सब करवाते हैं। वहीं पर फिर पेट पर मिट्टी की पट्टी लगाई जाती है जी, पेट पर, माथे पर, सिर पर, जिनके घुटनों में दर्द है घुटनों पर ऐसी मिट्टी लगवाते हैं। उसके बाद फिर सूप पिलाया जाता है, नहीं और मिट्टी पट्टी के बाद में एनिमा होता है, एनिमा इधर ही होता है, एनिमा बस्ती बस्ती जी, एनिमा होता है। एनिमा के बाद फिर सूप मिलता है और सूप के बाद में फिर होता ही होती है स्टीम, पूरे शरीर पर भाप स्नान होता है या सूर्य स्नान करवाते हैं। एक हमारे पास में पूरा एक प्लास्टिक का बैग रहता है पूरा, उसके अंदर दबाते हैं व्यक्ति को, यहाँ तक ढक देते हैं पूरा और धूप में बिठा देते हैं, तो पूरे शरीर से खूब पसीना निकलता है। और पसीना निकलने के बाद में फिर हम लोग मिट्टी का लेप लगाते हैं, मिट्टी का लेप पूरे शरीर पर लगाते हैं कभी, और मिट्टी में हल्दी, चंदन, गुलाब जल ऐसी ऐसी चीज़ें मिला करके हम मिट्टी का लेप करते हैं। मिट्टी का लेप लगने के बाद जब थोड़ा मिट्टी सूख जाती है फिर उसे हम गड्ढे में ले आते हैं, इस गड्ढे का नंबर तब आता है, तब आता है। तो ये एक लंबा प्रोसीजर है। ये मिट्टी सूखी होती है या गीली कर लेते हैं उस समय? ये सूखी होती है, सूखी होती है। आवश्यकता पड़ने पर, आवश्यकता के अनुसार गीली मिट्टी भी की जा सकती है, उसमें भिन्न भिन्न प्रकार की जड़ी बूटियाँ औषधियाँ मिला करके प्रकृति के अनुसार, प्रकृति के अनुसार। अधिकांश तो सूखी मिट्टी में ही दबाते हैं क्योंकि हमारे पास जोड़ों के दर्द वाले, मोटे लोग, उस तरह के काफ़ी लोग ज़्यादा अधिक होते हैं, शुगर वाले, शुगर बहुत होते हैं, बहुत होते हैं। अभी एक सज्जन मिले, मैं तो जानता भी नहीं उनको, बोले जी शुगर की बीमारी, शुगर की दवाई नहीं खाई हमारे यहाँ जो आई थी, जब से शिविर करके गई होंगी कोई देवी, तो बोले शुगर की दवाई नहीं और वजन भी घट गया है, बिल्कुल ठीक है इस समय, बढ़िया रिजल्ट है। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। तो इस तरह का ये अभियान है, कार्यक्रम। एक ये होल है जी, जब यहाँ पे शिविर लगता है ना तो यहीं पर रहते हैं सामूहिक, और ये देखो बेड डले हुए हैं यहाँ, ये देखो जी ये कार्य चलता है, प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग शिविर स्वामी योगेश्वरानंद सरस्वती जी, अभी उन्होंने संन्यास ले लिया है, तो ये चलाते हैं यहाँ, काफी बड़ा हॉल है।
व्हाट्सएप पर अपना नाम लिख के भेज दीजिए। नमस्ते स्वामी जी। ओम नमस्ते जी। आपका परिचय पूछना चाहूँगा मैं। मैं स्वामी योगेश्वरानंद सरस्वती यहीं तपोवन आश्रम में रहता हूँ देहरादून में। जी जी। तो अपना वो ऊपर वाले आश्रम में, ऊपर में मेरे शिविर होते हैं। अच्छा, आपके शिविर होते हैं। उसका नाम है तपोभूमि। तपोभूमि वैदिक साधन आश्रम तपोभूमि। वहाँ पर योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा शिविरों के आयोजन होते हैं। हाँ जी, आपके सानिध्य में ये? हाँ, मेरे निर्देशन में होता है। अच्छा, तो वहाँ पे कैसे किस किस तरह की चिकित्सा होती है? उसमें मिट्टी, पानी, धूप, हवा, आकाश, इन पंच तत्वों के माध्यम से शरीर का शुद्धिकरण करते हैं। और शरीर का शुद्धिकरण होने के बाद कोई रोग नहीं रहता, सभी रोग ठीक हो जाते हैं। हाँ। विशेषता कौन सी चीज? नहीं, सिर से लेके पैर तक पूरा शुद्ध, पूरा शरीर शुद्ध हो जाता है। क्योंकि दवाइयां खाने से रोग दब जाते हैं और प्राकृतिक जीवन शैली व प्राकृतिक विधियों के द्वारा रोगों को बाहर निकाल दिया जाता है। क्योंकि विजातीय तत्व जिनको हम टॉक्सिन्स के रूप में मानते हैं, वो अलग अलग केंद्रों में चिपके पड़े होते हैं। जो वह गंदगी हम खा तो गए लेकिन निकला बाहर नहीं, वो विजातीय तत्व के रूप में एकत्र हो जाता है। तो स्वामी जी, हर बीमारी की एक सी पद्धति है या स्वस्थ करने की या अलग अलग कैटेगरी भी है? सबसे पहली बात तो यह है कि प्राकृतिक जीवन शैली अपनाना चाहिए। जी जी। उसमें अपनी दिनचर्या से लेकर के जितना खान पान आदि है सब वो उसमें सम्मिलित है। बाकी जब हमारे पास लोग आते हैं तो उनके लिए प्रातः से लेकर शाम तक एक दिनचर्या होती है। उस दिनचर्या के अंतर्गत कभी जैसे योग कक्षा है और जल नीति करा रहे हैं, रबर नीति, तेल नीति, सब अंदर से गंदगी निकालने का ही सब सिस्टम है। और पेट पर मिट्टी की पट्टी लगा रहे हैं, एनिमा से सफाई कर रहे हैं, भाप दे रहे हैं, पूरे शरीर पर मिट्टी, हल्दी, गेरू, कई प्रकार के लेपन आदि करके शरीर को एकदम शुद्ध करते हैं। अब उसमें कैसा ही भी रोग हो, फिर भी यदि हम समझते हैं कि कुछ अलग से भी करना चाहिए, तब हम कुछ ना कुछ अलग से भी करते हैं विशेष अवस्था में, अन्यथा सबके लिए एक ही जैसा है। वैसे तो अंदर से भी शुद्धि हो जाए और बाहर से पूरा भी तो पूरा पूरा रोग लगभग समाप्त समाप्त हो जाते समाप्त हैं। उनमें एक जैसी होती है। अगर किसी चीज में कोई मान लो कैंसर का ही आ गया, हाँ जी, तो उसके लिए कोई अलग से भी, वो तो होता ही है पूरा, हाँ, शरीर का शुद्धि का, उसके लिए अलग से भी आपको जरूरत पड़ती है। कैंसर में देखना होता है कि कौन सी स्टेज है। अच्छा, है ना, अगर प्रारंभ हो रहा है तो उसको बस वहीं पर स्टॉप किया जा सकता है, रोका जा सकता है। अच्छा, क्यों? उसके खान पान बदल देंगे, ऐसी कोई वस्तु खाने के लिए नहीं देंगे जिससे रोग का निर्माण आगे बढ़े, आगे बढ़े, और जो पहले से है उसको घटा देंगे, ख़त्म कर देंगे। तो ये धीरे धीरे करते करते एक सही रास्ते पर आ जाते हैं। आप रिपोर्ट देखते हो या नाड़ी से अपना शोधन वगैरह? प्राकृतिक चिकित्सा में विशेष रूप से आकृति को देख करके रोग को समझ लेते हैं। दूसरा और सबसे बड़ी रिपोर्ट, सबसे बड़ी मशीन इंसान स्वयं है। अब यहाँ दर्द हो रहा है, कोई मशीन नहीं बताएगी क्यों दर्द हो रहा है, सच है ये। कई बार पेट के दर्द दर्द में ही वर्षों बीत जाते हैं लेकिन लाभ नहीं मिलता। क्यों? मशीनें कुछ बता रही हैं और उसको दर्द है कुछ। तो सबसे बड़ी समस्या, और हम समझते हैं कि पेट साफ नहीं हुआ और गैस बन रही थी, गैस के कारण से गोला उठ रहा था, उसको हम सफाई कर देते हैं, पेट दर्द ठीक हो जाता है। तो रिपोर्ट पर ही हम आधारित रहें ऐसा नहीं है। जैसे बंधु आपने रिपोर्ट की बात कही, ब्लड प्रेशर है, अब ब्लड प्रेशर की रिपोर्ट थोड़ी ऊपर आ गई, घबरा गए, परेशान हो गए, क्यों? अभी तो मिर्ची खा के आया था, है ना, अभी मसाले की सब्जी खाई थी, अभी चाय पी के आया था, कॉफ़ी पी रखी थी, अभी चेक करा लिया, बढ़ेगा तो एकदम बढ़ा हुआ आएगा। सादा पानी, नींद ले करके बढ़िया और सादा पानी पी करके स्नान आदि से तृप्त होकर के आप चेकिंग कराओ, एकदम फिट मिलेगा। आंतें साफ कर लीजिए, ऐसे ही शुगर की समस्या है। तो मैं रिपोर्ट को उस रूप से नहीं समझता। मेरे यहाँ तो लोग आकर के दवाइयाँ यूं ही छोड़ देते हैं, मेरा चेहरा देखते ही दवाइयाँ छोड़ देते हैं और वो ठीक हो जाते हैं। मतलब विपरीत भोजन का क्या प्रभाव आप मानते हो? विपरीत भोजन यानी कि जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं है, यानी कि जो अनुकूल नहीं है वो प्रतिकूल पड़ेगा, और जो प्रतिकूल है वो रोगों को जन्म देगा। तो इसी प्रकार से पूरा ही प्रभाव मानता हूँ।
मैंने अपने व्याख्यानों में कहा है कि एक्सीडेंटल केस को छोड़ करके जितने भी लोग हॉस्पिटल में पड़े हैं या घरों में कष्ट भोग रहे हैं, वो केवल जीभ के कारण हैं। जीभ के स्वाद के चक्कर में बेचारे रोगों की दलदल में धंसे हुए और ठीक नहीं हो पा रहे। उसका मुख्य कारण है शादियाँ, जो आजकल की शादियाँ हैं समाज में, वो रात को खाते हैं एक तो, और विपरीत खाते हैं। जैसे उसने आइसक्रीम ले ली, हाँ, फिर उसके ऊपर चरचरा ले लिया या कोई भी नमकीन ले लिया, दूध के ऊपर फिर नमकीन खा लिया, तो ये कारण भी समाज में आजकल बहुत बड़ा है। हमारी प्राचीन परंपराएं, हमारी सभ्यता, हम तो देहात के रहने वाले हैं, संभवतः आप भी देहात के ही होंगे। हमारे यहाँ प्रातःकाल में भोजन होता था और संध्या काल में सूर्यास्त से पहले पहले हमारी माताएं भोजन खिला देती थी बच्चों को, हमको खिला देती थी। लेकिन अब रात्रि के समय जो शादियां होती हैं, विवाह होते हैं, ये ठीक नहीं है। क्यों? रात्रि में जब 11 बजे को खाने का समय नहीं होता है, वो सोने का समय होता है, जठराग्नि मंद हो चुकी होती है, यानी कि उस समय विश्राम करो और गहरी नींद लो, भोजन अपना आराम से अपना कार्य करेगा, पच जाएगा। नहीं तो आदमी उलझा पड़ा है पूरी तरह से, ये पार्टियां खा खा करके बीमारी के दलदल में धंसे पड़े हैं लोग। सोने का उसमें नियम भी मुख्य स्वास्थ्य के लिए, हाँ हाँ, 9 या 10 बजे सो जाइए और प्रातः 3 या 4 बजे उठ जाइए, और क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में उठने का ही हमारा नियम रहा है। जी जी। आज हमारी परंपराओं को देख रहे हैं तो हमारे बच्चे रात भर मोबाइल चलाते हैं और 10 बजे 11 बजे 12 बजे तक सोते हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है, टोटली गलत। बहुत से तो उठने के टाइम पे सोते हैं, मैंने बताया ना, वो सोते ही उतना 6 बजे 5 बजे हैं। हाँ। अब बेचारे वो क्या करेंगे, रोगी नहीं, तो रोगी नहीं, महारोगी बनेंगे। इनकी आंखों पर चश्मे लो, उनको डायबिटीज, उनको ब्लड प्रेशर, छोटी आयु में हार्ट श्रिंक हो रहे हैं लोगों बच्चों के, और बेटियों की हालत तो मैं आपको बताता हूँ, अगर आज नहीं संभली तो इनको बचाने वाला कोई नहीं। क्यों? कोरोना के विषय में क्या कहेंगे आप आचार्य? कोरोना का क्या रोना कोरोना का क्या रोना, ठीक है ना, कोरोना का रोने का चक्कर आवश्यक बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जिसको रेजिडेंस पावर, जिसकी कमजोर है, जिनको इम्यून पावर है ही नहीं, उसको तो रोज कोरोना ही रहता है। उसे कभी जुकाम रहता है, कभी बुखार रहता है, कभी सिर में दर्द रहता है, क्योंकि इम्यून पावर नहीं है। अब इन्होंने क्या किया, एक प्रोपोगंडा रचा, छल पूर्वक पूरे संसार को फंसाया गया। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की टीम ने चाइना के साथ मिलकर के घोटाला किया है ये, ठीक है, और उन्होंने कुछ ऐसा वायरस बनाया। अब ये फैला या नहीं फैला, लेकिन WHO ने बहुत बड़ा बिड़ा गर्क किया है समाज का, समझ रहे हैं? वैक्सीन और वैक्सीनेशन जो किया गया है, वैक्सीन 3-3 लगने के बाद भी कोरोना घोषित कर दिया, फिर बूस्टर। चलिए एक काम करते हैं, मेरे को कोरोना नहीं है, कोरोना के पेशेंट को मैं गले लगाता हूँ, पप्पी लेता हूँ, उसके साथ खाना खाता हूँ, और मुझे चेक कर लो। सही बात। क्यों? ये भी बहुत बड़ा छल है। क्या पहले जुकाम नहीं होते थे? बिल्कुल होते, पहले बुखार नहीं होते थे, अब जरा सा कुछ हो तो कोरोना हो गया। मैं आपको बताता हूँ कि अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाइए, प्राणायाम करते रहिए, खान पान अच्छा रखिए, और थोड़ा सा व्यायाम आदि करते रहिए। किसी भी प्रकार का कोई रोग हो ही नहीं सकता, कोरोना उनको नहीं हुआ जो व्यायाम आदि प्रतिदिन करते थे, संयम से रहते थे। एसी वाले बाबुओं को ज़्यादा समस्या बनी, मजदूर को कोरोना नहीं हुआ। ये पहली ऐसी बीमारी है। समझे आप क्या कह रहे थे, प्राकृतिक चिकित्सा में भी क्या चल रहा है आजकल? छल चल रहा है। कपट। ये छल कपट चल रहा है, प्राकृतिक चिकित्सालय में भी लूट मची हुई है, और ऐसी लूट मची है, आप जाइए तो सही, 50,000 रुपया आपको एक दिन का भी देना पड़ सकता है, एक दिन का 50,000 रुपया, और 5,000-5,000 रुपया प्रतिदिन से तो प्रारंभ होता है, और वो भी बहुत हल्की कैटेगरी के हिसाब से अनुसार। लेकिन केवल होटल का देते जितना है। हाँ, जितना ये इतना बड़ा फैला रखा है प्राकृतिक चिकित्सा को, हम उसको सिकोड़ करके संतुलित करते करते इतना सा कर रहे हैं, और हमने निर्णय लिया है कि हम पूरे समाज को सिखाएंगे प्राकृतिक चिकित्सा, और झोपड़ी से लेकर के महलों तक ये प्राकृतिक चिकित्सा का निशुल्क दिया जलेगा। मैं एक सन्यासी हूँ, सन्यासी होने के नाते बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ कि मेरा अपना कोई महल बने, रत्ती भर आवश्यकता नहीं है, ना ही मेरे बड़े बड़े आश्रम की मुझे इच्छा है। अब तो एक ही भावना बची है कि जो मेरे प्राण चल रहे हैं ये लोगों को तैयार करने में के लिए बने। झोंपड़ी में रहने वाला भी कहे कि ना बस, अब तो मैं, मुझे जुकाम हो गया है, जल नीति करूँगा, भुना हुआ चना खाऊंगा, गर्म पानी पीऊँगा, ठीक हो जाऊँगा।
महलों में रहने वाला भी कहेगा कि दवाई नहीं खानी मुझे, चाहे कुछ भी हो जाए, दवाई नहीं खाऊंगा, टेस्ट में पैसा नहीं बर्बाद करूंगा, मुझे पता है कि मैं अपने शरीर का डॉक्टर बन चुका। तो पूरा देश जिस दिन जग जाएगा तो समझ लेना बहुत बड़ी लूट खत्म हो जाएगी। नहीं, अब लोगों के जो विचार नहीं शैली की तरफ बढ़ रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, अब जो समय आया है, कोरोना से भी बहुत कुछ सीखा है लोगों ने, बहुत कुछ सीखा। हॉस्पिटलों में तो लोग मरे ही हैं जाके, जो गया है वो गया है, लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा से ही प्राण बच सकते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा ही जीवन देती है और दूसरी पद्धतियों में कोई विश्वास नहीं किया जा सकता। विश्वास इसलिए नहीं किया जा सकता स्वामी जी, क्योंकि जो इलाज कर रहे हैं वो स्वयं बहुत ज्यादा गए हैं। ये भी है, एक जो इससे पिछली वेव आई थी ना बीच में, सेकंड वाली जो बोल रहे हैं वेव है, उसमें सबसे ज्यादा डॉक्टर ही मरे। अच्छा मुझे बताओ, किसी किसी प्राकृतिक चिकित्सक को भी सुना है कि वो भी हॉस्पिटल में गया है? हाँ, वही तो कह रहा हूँ ना, नहीं गया। नहीं, प्राकृतिक चिकित्सा करने वाले प्राकृतिक चिकित्सकों को किसी भी प्रकार का वायरस ने प्रभाव नहीं डाला। क्यों? वे स्वयं शुद्धिकरण जानते हैं। मेरे संपर्क में रहने वाले बहुत सारे लोग, उनके क्षेत्रों में तो मास्क ही नहीं लगा, कोरोना नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। वो जलनीति सीख गए, मुलेठी के पानी से कुंजर क्रिया करनी सीख गए, अमरूद के पत्ते चबाना सीख गए, तो भैया उनको किसी प्रकार का रोग ये नहीं हुआ। तो मैं यही चाहता हूँ कि लोग ये देसी और विदेशी सभी दवाइयों से मुक्त हो जाए। अब आप कहेंगे देसी का क्यों नाम ले रहे हैं, तो आयुर्वेद तो परम औषधि है, पर मैं ये कहता हूँ कि देसी दवाइयों के भी बड़े भारी दुष्प्रभाव हैं। लंबे समय तक आप जब पेट साफ करने की दवाइयाँ खाते रहते हैं तो आपकी आंतों में खुश किया जाती है, ड्राइनेस बढ़ जाती है, आपके चूरन के चूरन, चूरन पर चूरन चलते चले जाते हैं, आप बदलते चले जाते हैं चूरन पर चूरन, लेकिन उनसे क्या होता है, उल्टा नुकसान ही नुकसान होता है। प्राकृतिक जीवन शैली अपनाएं, कुछ हाफ बॉइल सब्जी खाते हैं, कच्ची कच्ची चीजें खाते हैं, प्राकृतिक तरीके से ही हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं। सॉफ्ट रहती है, सॉफ्ट रहती है, हार्डनेस नहीं आती, नहीं तो कभी कुछ नहीं हो सकता।